नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी आप सभी के लिए है और एक बहुत अच्छा सेशन आप लोग के लिए, जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किताबें कौन सी चयन करनी चाहिए, क्या आपके लिए कोचिंग क्लासेस कितनी सहायता कर सकती हैं, मटेरियल क्या होनी चाहिए, टेस्ट कितना किफायती होगा, कितना फायदा मिलेगा, इन सारी बातों का यहाँ पे जिक्र करने के लिए आपके सामने मैं आया हूँ। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आज के सेशन में जो वैकेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा 677 पदों पर बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकली है और इस बार वैकेंसी है SA MT और MTS की। ये वैकेंसी इससे पूर्व इसी वर्ष जनवरी में ही आई थी, उससे पहले एक दो महीने पहले खबर आ गई थी कि आ रही है, जनवरी में आई थी और बहुत तेजी से पूरी होने वाली वैकेंसी आई भी होती है, जिसमें बोल सकते हो कि एक गोली की रफ्तार से चलती है ये वैकेंसी और बहुत जल्दी सारे कार्य भी इस पर पूरे हो जाते हैं। बहुत कम मेहनत में, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप इस जॉब को क्या कर सकते हो, अपने हाथ में ले सकते हो और ऐसा बोल सकते हो कि एक पद अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हो। लगभग 1600 पदों पर इससे पूर्व में आई थी और विद इन 6 मंथ में, ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक आयोग के द्वारा बैक टू बैक 6 महीने के अंदर वैकेंसीज आ जाए। बाकी हर जगह तो आपको लगभग सालों मेहनत करने पड़ते हैं, बट कुछ वैकेंसीज आपकी ऐसी हैं जो हर बार बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है और उनमें से आईबी की एक वैकेंसी है। हमें एक बात यहां पे जोड़ना चाहूंगा सेशन स्टार्ट करने से पहले, आप लोग कई बार क्या होता है कि SSC बैंक तमाम एग्जाम में फंसे होते हो और वहां पे उसके चक्कर में आप छोटी छोटी वैकेंसीज पे ध्यान नहीं देते हो, इन्हें आप कम समझ लेते हो, जबकि बहुत सारे जो चालाक बच्चे होते हैं या सही मायने में जिन्हें एस्पिरेंट्स कहते हैं, वो इन वैकेंसीज में हाथ डाल के और एक पद सुनिश्चित करते हैं, कहीं ना कहीं अपना जॉब ले लेते हैं और फिर बाकी आगे के डीम भी अपने फॉलो करते रहते हैं। तो हम आते हैं इस कड़ी में कि कैसे करें तैयारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के SA MT और MTS में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कितना आपको स्कोर करना है, क्या कट ऑफ जाती है, एग्जाम कितने कम समय में हो जाएगा, क्या कितना कट ऑफ जाता है, मैथ्स रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसे कैसे कवर करेंगे, GS GK कहां से पढ़ना होगा, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन आपसे पूछता आया है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदला है, बट देखते हैं नए पैटर्न में किस प्रकार से पूछेगा। बाकी कोचिंग क्या होनी चाहिए, किताबें कौन सी होनी चाहिए, PDF सेफ स्कोर टेस्ट, सारी बातें हम लोग करेंगे एक एक करके। तो ये वो किताबें हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो टीम परीक्षा प्लस आपके लिए स्पेशली, टीम परीक्षा प्लस की हमेशा खासियत है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद की बढ़ाई कर रहा हूं, बट एक बात आप लोग जो लगातार कोर्स से जुड़ते होगे और लगातार आप लोग नोट्स देखते होगे, समझ में आता होगा कि टीम परीक्षा प्लस हर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड नोट्स, डेडिकेटेड ईबुक आपके लिए निकालती है जो आपके उसी एग्जाम के लिए होती है और जहां से आपको मदद मिलता है। इससे पहले भी जो हमने आईबी का बैच चलाया था, सर्वाधिक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्लास से एज इट इज फंसे थे और उसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं, हालांकि इस सेशन में प्रूफ देने की बात नहीं है, बट इस सेशन में कुछ ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आईबी की वैकेंसीज बहुत कम समय में होती है, जब 2020 में आई थी आप देखोगे जनवरी में आपका फॉर्म आया था, 21 में आपका फॉर्म आया था, फरवरी में आपका एग्जाम डेट हो गया था, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ और रिजल्ट भी अप्रैल में दे दिए थे। यही नहीं, अगर आप 2023 वाली वैकेंसी को देखोगे तो 28-1 से फॉर्म चालू हुआ था और एग्जाम आप देख लोगे तो मार्च में आपका एग्जाम हो गया था और टीयर 2 का भी एग्जाम जुलाई में हो गया, उसका अभी कार्य लगभग फाइनल हो चुका है। तब तक आपके सामने एक नई वैकेंसी जो SA MT के 362 पद के लिए और MTS के लिए 315 पद के लिए दोनों को मिला लिया जाए तो 677 टोटल पोस्ट है और ये कम नहीं होते, बहुत ज्यादा पद होते हैं। मैं पहली बात बता दूं कि ये क्या होते हैं, जोन वाइज पूछे जाते हैं, जोन वाइज वैकेंसीज आती है, मतलब आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको उसी राज्य में फॉर्म भरना होता है, आप अगर उस राज्य में नहीं भरते हैं तो क्यों आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका डोमिसाइल भी यहां पे लेता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि ये जोनल वैकेंसी है, दिल्ली वगैरह में काफी हेडक्वार्टर्स में बहुत ज्यादा इसमें वैकेंसीज आती है, तो जो दिल्ली या आसपास के लोग होते हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन ही वैकेंसी है। और क्योंकि जोनल है तो आपको केवल अपने स्टेट में ही कंपटीशन करना होता है और डोमिसाइल क्योंकि मांग लेते हैं, इस कारण से कंपटीशन बिल्कुल क्या होता है, आपके स्टेट में रहता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे की तरह आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर लो, आप जोन कोई दूसरा चुन लो, आप जिस राज्य से होगे आपको वही जोन चुनना होगा। मैं आपको इसमें छोटी छोटी बातें बता दूं, बाकी ये चीज तो आप लोग देख ही रहे होंगे। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट SA का फुल फॉर्म सिक्योरिटी असिस्टेंट है, MT का फुल फॉर्म मोटर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आपकी लाइट मोटर व्हीकल का DL भी चाहिए होगा, और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में जनरल की वैकेंसी आई है ये 2023 के हिसाब से, और इसमें पदों की संख्या आपने देख ही लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप केवल 10th पास हो तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हो, हालांकि
फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास आपके टेंथ का रिजल्ट होना चाहिए। जो एमटी वाला पोस्ट है ना, मोटर ट्रांसपोर्ट वाला, उसके लिए अलग से आपको क्या चाहिए होता है, केवल डीएल चाहिए होता है। लेकिन फॉर्म भरते समय आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये मत सोचो कि आपको कोई सर्टिफिकेट होगा या फिर, हालांकि इन्होंने बोला है कि जो एमटी होता है उसके लिए इन्होंने एक साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस किसका? आपको गाड़ी चलाने का, फोर व्हीलर चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि आप उसे अपलोड ही करो। बस आप जानते हो, वैकेंसी क्लियर होते होते भी आप अच्छे सीख लोगे तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल हो। दोनों में सैलरी भी बहुत अच्छी है, और इसकी सबसे खास बात आईबी की है कि इसमें 20% एक्स्ट्रा बेसिक पे का अलाउंसेस होता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होता है 20%, और कैश कंपनसेशन होता है ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज। अगर आप छुट्टी में ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो उसका आपको क्या मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। इस हिसाब से इसकी सैलरी बहुत बेहतरीन हो जाती है। जहां पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट की लेवल 3 में 21,700 से लेके 69,100 तक है, वहीं पे लेवल 1 पे देखा जाए तो 18,000 से लेके 56,900 तक है। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके लिए दोनों ही पोस्ट के लिए, आप एक ही फॉर्म में सारे ही पद के लिए भर सकते हो, आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि इसमें जो एससी एसटी कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है या विडोवर्स है, उन सब के लिए केवल 50 रुपए का फॉर्म है। बाकी जो जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, केवल उनके लिए 500 रुपए का फॉर्म है। यह भी बहुत अच्छी बात है। बाकी जो कैटेगरीज हैं, एज लिमिट आपको मैं इसमें बता दूं तो 27 साल फॉर्म के लास्ट डेट तक आपको 27 साल के हो जाने चाहिए। और अगर बात करें हम किसका, एमटीएस का, तो 18 से 25 होना चाहिए। तो ये मिनिमम इसमें नहीं दिया है एससी एमटी में, बट आपका एमटीएस में मिनिमम दिया हुआ है 18 से 25। अब आते हैं कि इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो तैयारी करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या पूछता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इसने 2023 के जनवरी में जब फॉर्म आया था, इन्होंने जब परीक्षा ली थी, 17 फरवरी को परीक्षा थी इसकी, एक महीने में इन्होंने परीक्षा भी ले ली थी, और उस समय इनका जो पैटर्न था, टोटल 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था, और 1/4 क्या था, 1/4 निगेटिव था। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि 2 घंटा पेपर में आप, सॉरी 1 घंटा ये क्या देते हैं पेपर में, 1 घंटा तब भी दिए थे, 1 घंटा अब भी देते हैं, पैटर्न लगभग सेम है, 100 क्वेश्चन ही है, 100 नंबर का ही है, 1/4 निगेटिव है, 1 घंटे का ही है। अंतर इन्होंने क्या कर दिया है कि पहले ये जीएस और जीके को अलग अलग 20-20 करते थे, 20 जीएस 20 जीके 20 इंग्लिश 20 मैथ्स 20 रीजनिंग, ऐसे करके 100 क्वेश्चन बनाते थे। अब इन्होंने क्या कहा कि हम जीएस को हटा देंगे अलग से, जनरल अवेयरनेस को ही हम 40 कर दे रहे हैं, उसको एक ही सेक्शन करेंगे, अलग अलग सेक्शन नहीं करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने जनरल अवेयरनेस कर दिया है तो टॉपिक आपकी वही है जो इन्होंने 2023 में पूछा था, क्वेश्चन पूछने में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बस इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए एक सेक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया है, वो 20 क्वेश्चन उठा के यहां पे कर दिए। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 1 घंटे का पेपर है, और 1/4 नेगेटिव है। ये है आपका टीयर 1 पार्ट 1, जो सारे ही बच्चों को देना होता है, एसए एमटी और एमटीएस सबको देना होगा पेपर। लेकिन टीयर 2 भी इसमें कंडक्ट कराया जाता है, और ये एसए और एमटी के लिए अलग होता है और एमटीएस के लिए अलग होता है। जहां पे एसए और एमटी के लिए क्या होता है, यहां पे आपके पास केवल मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू होता है, मतलब कि आपका ड्राइविंग करवाया जाएगा, वहां पे एक टेस्ट होगा, और मोटर मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी बहुत अगर छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है, जैसे अगर आप चला रहे हो गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आप कैसे उसकी स्टेपनी चेंज करोगे, छोटी मोटी बात, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप पहले क्या देखोगे, बैटरी डाउन हो गई है तो आप कैसे उसे स्टार्ट करोगे, धक्का कैसे लगाओगे, ये बेसिक चीज होती है, ये छोटे मोटे माइनर इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उन्हें आप कैसे करते हो, ये जो बेसिक गाड़ी चलाने वाले के जानकारी होनी चाहिए वो मोटर मैकेनिज्म होता है, और ये ड्राइविंग टेस्ट होता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ये आपसे वर्बल पूछते हैं, ऐसा नहीं कि सबको लिखित होता है। लेकिन एमटीएस वाले में टीयर 2 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश का क्या कर दिए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर दे दिया, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में मतलब कि आपको पेन पेपर बेस्ड होगा, लिखना पड़ेगा, बट आपका सिलेबस कुछ अलग नहीं है, जो आप यहां पे इंग्लिश तैयार करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन, वही टॉपिक है, आपको वोकैब्स वर्ड मीनिंग लिखने को आएगा, आपको इडियम फ्रेजेस लिखने को आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखने को आएगा, कंप्रेहेंशन लिखने को आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन पे होगा, जिसमें वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर यूजेस, एंटोनिम सिनोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपको होना चाहिए, और कंप्रेहेंशन एंड पैराग्राफ राइटिंग 150 वर्ड का होगा,
जो 50 नंबर का है, हालांकि इसका मार्क्स नहीं जोड़ेगा, क्वालिफाइंग है। अगर इसमें आप 20 नंबर ले लेते हो तो आप पास हो जाओगे, और ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें भी अगर आप 40% मतलब कि 20 नंबर यहां पे भी ले आते हो तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसका मार्क्स नहीं जोड़ेगा, आपका मेरिट केवल इस ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होगा इसी के आधार पर आपका क्या होता है, सिलेक्शन होगा। अब जो बच्चा यहां पे सबसे पहले क्या कराया जाएगा, एसए और एमटी का कराया जाएगा। जैसे यहां पे तो आप सभी लोग पेपर दोगे, उसके बाद आपको अगर आप एसए और एमटी वाले भी चूज किए तो आप इसके लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे और आप इसके लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे। अब पहले आपका पेपर ये होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए तो आपको एमटीएस से आपका नाम हटा दिया जाएगा, ताकि इधर से ज्यादा बच्चे यहां पर क्या हो जाए, एमटीएस में एलिजिबल हो जाए। और अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपको फिर से एमटीएस भी देने का मौका मिल जाएगा, आप ये भी दे लोगे और आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो हो जाओगे। तो बहुत अच्छा इनका एक बोल सकते हो कि पैटर्न बहुत बढ़िया है, जहां पे कंपटीशन को कम करते हुए चलते हैं, और यहां से लगभग 10 गुना बच्चे क्या होंगे, मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी इन सब में आपका जो है वो कट ऑफ जरूरी होता है, मिनिमम 35 नंबर किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 34 नंबर, एससी एसटी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, और बाकी सब के लिए दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, मिनिमम कट ऑफ लाना होता है। हालांकि जहां पे मेरिट बेस्ड होती है तो इसका कोई मायने नहीं रख जाता, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर तो आप लाओगे ही लाओगे। अब आते हैं कि हमें इसकी तैयारी करनी कैसे चाहिए। ये एक स्पेशल नोट था जो नोटिफिकेशन में दिया था, मैं लेके आया था कि जहां से आपका डोमिसाइल है आप उसी रीजन से फॉर्म भरोगे, वरना आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान देना कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो आप उसी जोन का फॉर्म भरोगे, अन्यथा अगर आप डोमिसाइल नहीं दे पाओगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, और ये भी कॉम्पिटिशन को बहुत हद तक कम कर देता है। अब आते हैं हम लोग की कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए किताबें क्या होनी चाहिए। तो टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन किताबें लेके आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो कुछ चीजें आपके लिए जरूरी होती हैं जानने के लिए। आप सबसे पहले देखते हो कि हम बुक्स कौन से लें, उसके बाद आप देखते हो कि आपके पास कोचिंग कौन सी होनी चाहिए, किस कोचिंग से हम जुड़े ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद आपके पास पीडीएफ कंटेंट क्या होनी चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कौन से लगानी चाहिए, और इसके बाद आपका जो स्ट्रेटजी है, एक जो टीम ऐसी होनी चाहिए कि एक विधिवत रणनीति के साथ आपकी तैयारी करवा पाए। अगर ये पांच चीज आपके पास बेहतर से बेहतर रिसोर्स है तो आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अब बेहतर से बेहतर रिसोर्स की अगर बात किया जाए तो उसमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेपर होता है बच्चों, वो क्या होता है कि टेंथ लेवल पे आपका, टेंथ लेवल जो आप अगर दसवीं पास हो तो फॉर्म भर सकते हो। तो आपसे ये बहुत हाई लेवल नहीं पूछते, बहुत ही बेसिक पूछते हैं। मतलब आप अगर मैथ्स उठा लो तो परसेंटेज के सिंपल से क्वेश्चन, आपका प्रॉफिट लॉस से सिंपल सा क्वेश्चन, सीआईएसआई से सिंपल सा क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं इसको पहले से एनालाइज करूं, मतलब कि जो पहले पेपर होता था 2019 में पेपर हुआ, 17 में पेपर हुआ, तब ये बहुत रैंडम पेपर बनाते थे, बट 2023 में इन्होंने बहुत बैलेंस पेपर बनाया है। और अगर मैं यहां पे एक एक की बात करूं, जैसे मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको केवल नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बाद आपको परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज के बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना है, आपको रेशियो पढ़ना है, ठीक है, और आपको एवरेज पढ़ना है। ये आपके चैप्टर जो है यहां से, और एक आध क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से देखने को मिलता है। पहले यह एडवांस टॉपिक पूछ लेते थे, बट आपका एडवांस टॉपिक अब खत्म कर दिया गया है, आप इन टॉपिक को केवल पढ़ेंगे। और इनका जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे, लगभग 2 क्वेश्चन परसेंटेज का, 2 क्वेश्चन आपका इसका, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, 2 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का, 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो का, 1 क्वेश्चन एवरेज का, 1 क्वेश्चन मेंसुरेशन का, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, आर्ट वन आउट हो गया, सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन सारे टॉपिक से सिलॉग से क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में वोकैब पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, जहां पे कुछ वोकैब फिलर के टाइप में होते हैं और कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं। तो आपका एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, आपका
इडियम एंड फ्रेजेस होता है, उसके बाद पार्ट एंड स्पीच हो गया, फिर आपका आर्टिकल्स हो गए। अगर ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हो तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आते हैं हम लोग लास्ट बट नॉट लिस्ट पे, किस पे? जीएस और जीके वाले पार्ट पे। तो जीएस और जीके इसका बहुत ही रैंडम है, बट अगर आपको जीएस और जीके में तैयारी करनी है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जीएस और जीके सेक्शन के लिए आप सबसे पहले प्रायोरिटी रखोगे करंट अफेयर्स पे। जितना बेहतरीन आपका करंट होगा उतना ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। उसके बाद आपको करना है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके क्या होता है इसको मैं बता दूं, जैसे स्टैटिक जीके में फेमस पर्सन होते हैं, फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, फेमस प्लेसेस होते हैं, लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट आता है। इसके अलावा बुक एंड ऑथर हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ये सारे टॉपिक आपके क्या आते हैं, स्टैटिक जीके में आते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को आप कवर करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप में इसका स्कोर होगा। इसके अलावा क्या होगा, जो कन्वेंशनल जीएस है, कन्वेंशनल जीएस मतलब पारंपरिक जीएस की बात करूं, इसमें क्या होते हैं, इसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, इसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, इसमें आपका पॉलिटी हो गया, इसमें आपका साइंस हो गया, और इसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और इसमें आपका इन्वायरमेंट हो गया। ये पार्ट आपके क्या होते हैं, ये पार्ट आपके जीएस जीके वाले पार्ट हैं। बट जीएस जीके वाले पार्ट की मैं बात कर दूं कि इसमें आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, यहां पे आपको केवल स्टैटिक पार्ट यहां से भी कवर करना है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपकी फेमस जो लड़ाइयां हैं, जो फेमस डायनेस्टीज हैं, उनके रूलर्स हैं, या कोई अगर न्यूज़पेपर निकाला है, या फिर हो सकता है कि कोई एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, या फिर 1857 की क्रांति, इन सबसे जुड़ी आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। ज्योग्राफी में आपको इंडिया से रिलेटेड केवल पढ़ना है और इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। पॉलिटी में आपको केवल अगर 1 से 100 तक आर्टिकल याद रखते हो तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही होंगे। साइंस में आपको जो बेसिक जनरल साइंस होता है कि जो कॉमन फेनोमेना आपको पता होना चाहिए, जैसे वेव ऑप्टिक्स में आप बात कर सकते हो कि आपको रेनबो कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, मरीचिका क्या होती है, आपके लेंसेस क्या होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि बेसिक आपका जो ऊष्मा होती है या वर्क आवर और एनर्जी क्या होता है, या फिर आप न्यूटन के सारे नियम की बात कर लो, या एसिड बेस साल्ट की बात कर लो, मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर लो, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिस्ट्री में बात कर लो, ये सारे आपके जनरल साइंस से होते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल सा इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, टफ नहीं पूछा जाता है, और खासकर ये इकोनॉमिक्स आपके करंट से रिलेटेड होता है कि अगर कहीं आरबीआई ने कोई नई नोट जारी की, या उस पे गवर्नर कौन है, या फिर किसका साइन होता है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी संबंधित है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, इकोनॉमी से होती हैं। और एनवायरमेंट से केवल आपके क्या होते हैं, नेशनल पार्क वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते। तो जीएस एंड जीके ये टॉपिक वास्ट है, लेकिन ये भी ध्यान देना कि 40 क्वेश्चन है, तो आपको मेहनत करना है, और टीम ने इसीलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन जीए जीके की किताब अलग है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ज्योग्राफी हिस्ट्री की क्लास अलग कर दी, यहां पे आपका किताबें अलग कर दी है, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक अलग किताबें, रीजनिंग के लिए अलग कर दिया, मैथ्स के लिए अलग कर दिया, और अन्य भी इसके साथ किताबें मैं आपको दिखा भी दूं एक बार कि किस प्रकार से हम लोग इसके लिए आपके लिए स्पेशली किताबें जो आपके लिए बना रहे हैं। अभी आप देखोगे तो यहां पर हम देख लें, ये मैथ्स का ही पार्ट है, तो मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका नंबर सिस्टम, फिर उस पर क्वेश्चंस, जो भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारी चीजें आपको ये पूरा किताब के फॉर्म में ही होता है, बस आपको ईबुक के फॉर्म में देता है, पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाता है कि आप इसे प्रिंट करा लो, और प्रिंट कराने के बाद इसे स्पाइरल कराओगे तो एकदम किताब के फॉर्म में हो जाएगा। यही नहीं, आपका इसमें सारे ही चैप्टर इंक्लूड होंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यही अगर मैं इसके साथ ही बात करूं रीजनिंग का, या फिर मैं कोई अन्य पार्ट की बात करूं तो वो भी आपके लिए, जैसे अभी आप इसका देखोगे तो इसमें रीजनिंग के देखोगे जितने भी हैं, इसमें डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, अल्फाबेटिकल जो टेस्ट होते हैं, एनालॉजी होते हैं, एक एक को बहुत विधिवत तरीके से, सीटिंग अरेंजमेंट, सीलॉग, सीक्वेंस, आर्गुमेंट्स, कैलेंडर, क्लॉक, एज, ये जितने भी आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा आया है उसके अकॉर्डिंग पूरा बनाया गया है ये, और बहुत बेहतरीन इस पे क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर सारे क्वेश्चन आप इस सीट से केवल लगा लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 20 में आप 20 करके आओगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बात करूं जहां पे जैसे आपको जीएस और जीके में सबसे ज्यादा समस्या होती है, अब आपको जीएस मैंने इसीलिए, एक तो आपका क्या है कि मैंने बोला कि कन्वेंशनल जीएस, हमने आपके लिए एक अलग से पूरा जनरल अवेयरनेस की किताब कर दी कि जो कन्वेंशनल जीएस है, पारंपरिक जीएस है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने वन लाइन फॉर्म में, इतिहास के पिता कौन थे, आविष्कार किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आप देखो, उसके बाद टेबल के फॉर्म में कौन यहां पे मेन जो खुदाई करता थे, उसके बाद अगर आप एंशिएंट के, और जैन धर्म का अलग कर दिया गया है, बौद्ध धर्म का अलग कर दिया गया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप यहां पे देखोगे इनकी बौद्ध सभा जो है, इनकी
संगीतियां जो है कहां पे हुई हैं, ये सारी चीजें, उसके बाद जो मेजर धर्म है, फिर ऐसे आप किस में आ जाओगे, मेडिवल में आ जाओगे, मुगल में आ जाओगे, सल्तनत काल में आ जाओगे, फिर ऐसे ही मॉडर्न में, और ये केवल हिस्ट्री ही नहीं, इसी पीडीएफ में आपको ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट जहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आगे आएंगे आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, इसी में आपको साइंस भी मिल जाएगा, इसी में आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति, सारी चीजें, एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां से भी जनरल फैक्ट से क्वेश्चन पूछा सकता है, उसका एक बहुत विधिवत कलेक्शन आप देख पा रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, राजेंद्र लाड़ी, अनंत काने, सुभाष चंद्र बोस, तो एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके लिए बना के ये दिया गया है। और मेरे ख्याल से अगर आप इतना केवल पढ़ लोगे, जैसे मैं भूगोल की बात करूं, तो भूगोल में एक एक चीज आपका, एक तो वन लाइनर फॉर्म में, दूसरा आपका डायग्रामेटिक फॉर्म में एक एक चीज आपको दिया गया है। सिमिलरली आप ऐसे पॉलिटी, एनवायरमेंट, सब कुछ आपका एक ही पीडीएफ में कंबाइल करके दिया गया है। और अगर ये 160-170 पेज का पीडीएफ है, इसे आप केवल कर लोगे, तो इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर इसकी एक एक चीज आपको रटी हुई है, तो आप 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन तो केवल एक पीडीएफ से अर्जित कर सकते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि उसमें करंट भी है, उसमें जनरल स्टैटिक भी है, आप इतना कर लोगे तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग थोड़ा डिटेल में भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की देंगे, कि इनकेस आपके पास समय मिलता है, बट समय आपके पास कम है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसका एग्जाम डेट कब हो सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लें। अगर आपने बुक का डेमो देख लिया होगा, या आप परीक्षा प्लस ऐप पे भी जाओगे, वहां पे भी डेमो मिल जाएगा, कोर्स में खरीदने से पहले आप डेमो इसका देख सकते हो, एक एक का सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आपके पास समय कितना है और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो यहां पे क्या होता है कि आईवी बहुत ज्यादा समय देता नहीं है। अभी आपका अक्टूबर का महीना चल रहा है, फॉर्म आपका फिलिंग चालू हुआ है कल की डेट से, मतलब कि 14 अक्टूबर से, है ना, अक्टूबर 14 से आपका फॉर्म फिलिंग चालू हुआ है, और ऐसे ही आपका जाके नवंबर तक फॉर्म चलेगा, और नवंबर 11 नवंबर तक लगभग, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दिसंबर में इसका एग्जाम होने का प्रबल संभावना है, जैसे इसका इतिहास रहा है। तो आपके पास केवल 2 महीने मिलते हैं, और 2 महीने में आप कितना ही पढ़ लोगे, इस बात की वो है। तो कितना घंटे आपको पढ़ना है, मैं इतना बोलूंगा कि ये एक चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन है, आप 2 से 3 महीना एकदम डेडिकेटेड हो जाओ। कहने का मतलब 8 से 10 घंटा अगर आप दे देते हो, तो ये एग्जाम कोई रोक नहीं पाएगा आपको क्रैक करने से। बच्चा यहीं पर डरता है कि हम 8 से 10 घंटा देंगे कैसे, लेकिन हकीकत में बता दूं कि जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं, वो घंटे नहीं गिनते, उन्हें बस बोल दिया जाता है कि बेटा तुम्हें इसका निकालना है, हाँ सर मैं ये निकाल लूंगा, कुछ भी हो जाए, 8, 10, 12, 15 घंटे जो भी हो सकता है, मतलब वो दैनिक दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद जो भी उनका समय होता है, वो केवल पढ़ाई में जाता है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो, तो आपके ये सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 10-12 टॉपिक मैथ्स में, 10-12 टॉपिक रीजनिंग में, ऐसे ही 7 से 8 टॉपिक इंग्लिश में पढ़ना है, जीएस में ज्यादा मेहनत करनी है, बट अगर आपके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं, तो आपको भटकाव की स्थिति नहीं होनी है। अब ये 2-3 महीने में, आप समझदार हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो, 18 साल से सब लोग ऊपर हो, आपके पास समय दिया गया है 2 से 3 महीने, और आपके पास पढ़ने को बहुत सारा कंटेंट है। अब आप चूज करो कि आपको अगला 2-3 महीने केवल किताबें ढूंढने में, कोचिंग ढूंढने में, पीडीएफ ढूंढने में व्यतीत करना है, कि आपको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपको उसको लग के पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चे हमसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं इतना कंटेंट पढ़ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप केवल कंटेंट इस हिसाब से बस ये सोच रहे हो कि मेरा इतना पढ़ने से हो जाने, हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो आपके मेरे ही कंटेंट से, परीक्षा प्लस के एक एक कंटेंट से आएंगे। तो फिर ये 2 बात कैसे आ गई कि आप कह रहे हैं कि हम पढ़ लें तो इसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा, और आप बोल लो कि हमारे से सिलेक्शन हो जाएगा? इसलिए क्योंकि पढ़ने में और उसे रिटेन करने में, उसे अपने अंदर कंज्यूम करने में बहुत अंतर होता है। पढ़ने को तो किसी की बोल दिया जाए एक बार ओवर थ्रू रीडिंग कर ले, नहीं, ओवर थ्रू रीडिंग से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लगना पड़ेगा 10-10, 12-12, 15-15 घंटे लगना पड़ेगा, आपको एक बार नहीं, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन ये होता, सर मैं इसे मल्टीपल टाइम पढ़ लूं, अगर मैं इसे एक एक चीज रट डालूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल कहता हां बेटा, अब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप हमारे द्वारा दिए गए सारे कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से मल्टीपल टाइम पढ़ लेते हो तो ये हो जाएगा। क्योंकि इस बात की मैं गारंटी दिलाता हूं कि इससे पहले कभी मैं आपको जो कोर्स चला था उसकी सारी क्लासेस, उसके सारे नोट्स आप ले लीजिएगा, और आप एक तरफ पेपर रख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको कंटेंट से मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने पहले ही इससे तैयारी इसके कंटेंट पे कर रखी है। अभी मुश्किल से 5-6 महीने हुआ है और फिर से आपके सामने ये वैकेंसी परोसी जा रही है, तो हमें चूकना नहीं है, बहुत बेहतरीन मौका है, सबसे अच्छी बात है।
कि भाई जो कैटेगरीज हैं एससी एसटी हैं या फिर एडब्ल्यूएस है या फिर बोल सकते हो कि जो महिलाएं उनको तो फॉर्म में केवल 50 रुपए, तो 50 रुपए फॉर्म भरने में जा क्या रहा है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आप एक चीज समझो, ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स कॉमन मैथ्स तो हर जगह आप पढ़ रहे हो, कॉमन रीजनिंग आप हर जगह पढ़ रहे हो, कॉमन इंग्लिश आप हर जगह पढ़ रहे हो, करेंट आप हर जगह पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके आप हर जगह पढ़ रहे हो, फिर अंतर कहां पे है? अंतर कोई नहीं है, आपको वही पढ़ना है, बस थोड़ा सा आपके इसके क्वेश्चन के किस प्रकार से पूछा जाएगा उसको आपको अपने अंदर यहाँ पे क्या करना है, उस मेंटेलिटी को बिठाना है कि क्वेश्चन क्या होंगे, इजी होंगे, टफ नहीं होंगे, और इस इजी क्वेश्चन को बार बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। एक बच्चा होता है कि डीपली पढ़ता हुआ चला जाता है, पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपके पास भी या दिसंबर में आपका पेपर है, आप चूज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो देर मत करिए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो। टीम परीक्षा प्लस बहुत ही आप लोगों के हितार्थ में, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसका कोर्स चलाया था और हमें जान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं हमसे जो लगातार इसी चीज की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, अब वो एक्स्ट्रा बक्स नहीं करना खर्च करना चाहते, इसलिए मात्र 399 रुपए में आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज, जिसमें लाइव क्लासेस प्लस उसके रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको स्टडी मटेरियल, आपको सेक्शनल क्विजेस, उसके बाद आपको डाउट सेशन, और साथ में ही आपका बहुत बेहतरीन रणनीति, एक एक कदम पे आपका साथ देने के लिए पूरी टीम दिन रात प्रतिबद्धता के साथ लगी रहती है। 60% ऑफ के साथ आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स है, इसमें आज से ही आपके सारे मटेरियल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, आज से ही इसमें सारे आपके क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका टाइम टेबल आ जाएगा और सब बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा करना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाके, यहां पे ये लोगो आपको दिख रहा होगा, परीक्षा प्लस, परीक्षा प्लस पे आप जाओगे, है ना, और वहां से आप क्या करोगे, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, या हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे जाके इसे क्या कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे जाके वहां से परचेज कर सकते हो, बाय नाउ पे करोगे, और आपका GST लगा के भी केवल आपका 471 मतलब 470 आपका जो फॉर्म है ना, फॉर्म के भी फीस से कम फॉर्म टीम परीक्षा प्लस सारे, इसमें कम से कम 10 फैकल्टीज की मेहनत, कम से कम 15 कंटेंट टीम की मेहनत, आपका पूरा डाउट सेशन, आपकी पूरी स्ट्रेटजी, सब कुछ आपको मात्र 399 रुपए टीम दे रही है। और मैं अगर इसको कहूं कि ये बिल्कुल निशुल्क है तो शायद कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हमें जो हम जिससे टेक्निकल रिसोर्सेस लिए होते हैं, जिनसे सर्विसेज लिए होते हैं, उनको भी हमें देना पड़ता है, तो अल्टीमेटली टीम तो आपसे कुछ ले ही नहीं रही है। तो फीस के लिए प्लीज कोई कुछ मत कहिएगा, बहुत ही मिनिमम फीस में बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपके लिए करवाई जा रही है और उम्मीद है इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भी। इसके अतिरिक्त आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस आपके MT या फिर SA MT और MTS किसी भी से भी कोई भी जानकारी लेनी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, आप हमें नीचे जो नंबर चले इन पे कॉल कर सकते हो, और कोर्स से जुड़ने के लिए परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ सकते हो, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करो। बहुत कम समय मिलेगा, जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट मिलेगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।